अगर आप लोगों ने वकांडा फॉरएवर देख चुका है तो आप लोग कितने खुश हैं हमारे नए ब्लैक पैंथर से, और अगर नहीं देखा तो फरवरी 1 को आप देख सकते हैं हॉटस्टार पे। अपने टिचाला के जाने के बाद अब वकांडा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा चुकी है अपनी शुरी। बट एमसीयू में इनका फ्यूचर क्या है वो एमसीयू वाले ही जाने। बट बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन्होंने ब्लैक पैंथर के बेटे को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आगे जाके वकांडा का नया किंग भी बन सकता है, किंग और नाकिया का बेटा टिचाला। जबकि कॉमिक्स में हमें दिखाया जाता है कि किंग एक म्यूटेंट से शादी करते हैं और वो कोई और नहीं किंग टिचाला और स्टॉर्म होती है। उसकी बात कुछ और है, बट मूवीज में हमें हमेशा कुछ और ही दिखाया जाता है, जस्ट मार्वल थिंग्स। हम बात कर रहे थे शुरी के बारे में। शुरी का बचपन से ड्रीम था कि वो एक दिन ब्लैक पैंथर बने और रूल करे अपने किंगडम पर। वो किसी तरह छुप छुपा के जो वकांडा के रिचुअल कॉम्बैट थी उसमें जाती है अपनी माँ की इच्छा के बगैर, बट टिचाला अपने अंकल को हरा कर उसका सपना तोड़ देता है। शुरी को पता चल गया था कितने इतने से नहीं हो पाएगा और उसे अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए हार्ड ट्रेनिंग की है। तभी क्लॉ अपने लोगों के साथ वकांडा पे अटैक कर देता है और उसी दौरान शुरी की फाइट किसी रेडियो एक्टिव आदमी के साथ हुई और शुरी उस आदमी को बीच में से काट देती है ब्लैक नाइट की इबनी ब्लेड से, जो कि आप लोगों ने अगर इटर्नल्स मूवी देखी है तो आपने उस पोस्ट क्रेडिट सीन में उससे ब्लैक नाइट को देखा होगा। शुरी समझ चुकी थी कि अगर उसे ब्लैक पैंथर बनना है तो उसे हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। एंड द डे अराइव्स जब किंग टिचाला कोमा में चले जाते हैं डॉक्टर डूम से फाइट करते करते। किसी को तो किंग बनना है। ब्लैक पैंथर स्टॉर्म टिचाला की वाइफ बनने के काबिल नहीं थी क्योंकि वो एक रॉयल ब्लड और रॉयल फैमिली से नहीं आती। तो स्टॉर्म ने सजेस्ट किया कि हमें शुरी को एज अ किंग एज अ ब्लैक पैंथर हमें बनाना चाहिए। जब गॉड्स ने शुरी को समन किया, पैंथर गॉड्स ने, उन्होंने उसी टाइम उसे रिजेक्ट कर दिया दैट शी इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ ब्लैक पैंथर। और तभी जब शुरी ने ब्लैक पैंथर सूट पहना और मॉडलन को खत्म कर दिया तब लोगों का विश्वास शुरी पे बन गया। वकांडा के लोगों ने शुरी को ब्लैक पैंथर मान लिया और शुरी का अपना ही एक स्टाइल है। शुरी क्लॉथ और स्ट्रेंथ के अलावा भी बहुत सारे गैजेट्स यूज करती है अपने सूट पे, और जहाँ अपने टिचाला यूज करते थे डोरा मिलाजे को, वहीं शुरी ने अपने लिए एक छोटी सी अलग टीम बनाई और उसका नाम रख दिया प्राइड। शायद हमें उसी का नाम मूवीज में मिडनाइट एंजल्स सुनने को मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल गो बुकमार्क। थैंक यू। जय हिंद।